सो हे गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन टॉर्क। एंड आज थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो जो है वो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। सिट्रोन C5 एयर क्रॉस का सस्पेंशन जो है वो टेस्ट करके देखने वाले हैं यहाँ पे। आप लोगों के सामने ये जो वीडियो दिख रही है इसमें आप लोगों को क्लियरली विजिबल होगा कि जो उसके सस्पेंशन है वो कैसी राइड क्वालिटी आपको ऑफर करने वाले हैं। तो आप लोग देख के पता कर सकते हैं, इतने तो आप लोग समझदार ही। अभी मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ सबसे पहले कि ये किस प्राइस में कंपनी ने इस गाड़ी को इंडियन मार्केट में लॉन्च करा है। वो जानने के बाद में बात करेंगे बाकी सभी दूसरी डिटेल्स के बारे में जो आप लोगों को जानना काफी ज्यादा जरूरी है। तो इसका जो बेसिक मॉडल है, सिंगल टोन वर्जन है, वो है 29.90 लाख रुपीस का, लगभग 30 लाख रुपए की प्राइस का बेस मॉडल ही है। एक्स शोरूम प्राइस जो मैं आपको बता रहा हूं। ड्यूल टोन अगर आप लेते हैं तो वो आपको 50,000 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। ये दोनों ही जो वेरिएंट है मैंने आप लोगों को बताया है, ये फील वेरिएंट के नाम से इसकी प्राइस लॉन्च करी है। सिंगल टोन की 29.90 लाख रुपीस और फील ड्यूल टोन लेते हैं तो 50,000 रुपये ज़्यादा, 30 लाख 40,000 रुपये, 30 लाख 40,000 रुपीस में आपको पड़ेगा। वहीं इसका टॉप एंड मॉडल जो है वो है शाइन वेरिएंट, वो है 31.90 लाख रुपीस का, लगभग 1.5 लाख रुपये के ज़्यादा प्राइस जो है वो आपको पे करनी पड़ेगी, जिसमें आपको टॉप एंड मॉडल मिलेगा। सिंगल और ड्यूल टोन दोनों के ही ऑप्शन उसमें भी अवेलेबल हैं। टोटल 7 कलर्स इस गाड़ी के अंदर आप लोगों को मिलेंगे। 30-32 लाख रुपए एक्स शोरूम प्राइस दे के ऑन रोड लगभग 37 लाख से 40 लाख रुपए के बीच में हर स्टेट में अलग अलग प्राइस इसकी होने वाली है। क्या ये गाड़ी आपको परचेस करनी चाहिए? अगर करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए? बस वो रीज़न जो है वो आज आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आप लोग देख रहे हैं गाड़ी की जो राइड क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कंपनी ने कम्फर्टेबल बताई है, या बताया है कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा कम्फर्टेबल है, या बोलते हैं फ्लाइंग कारपेट इफेक्ट जो है वो आपको इस की राइड के अंदर मिलने वाला है। वो कैसे मिलने वाला है वही चीज़ यहाँ पर अपन टेस्ट कर रहे हैं। तो जो गाड़ी है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में आती है, जिसके सस्पेंशन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपको कंफर्ट प्रोवाइड करने वाले हैं केबिन के अंदर। साथ ही केबिन का NVH जो है वो कम से कम रखने की कोशिश की गई है। तो ज़रूरी नहीं है कि 40 लाख रुपए का अगर आपका बजट है तो आप फोर्ड की एंडेवर या टोयोटा की फॉर्च्यूनर या MG ग्लॉस्टर या महिंद्रा एल्टोराज G4 ही परचेस करें। आप हो सकता है कि आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो आपको एक कंफर्ट दे, आपको चलाने में भी मज़ा आए, छोटी हो, ज़्यादा बड़ी नहीं हो, बट अपनी फैमिली आराम से बैठ जाए, पीछे 3 लोग बैठ जाए, आगे 2 लोग बैठ जाए आराम से, और अपनी एक छोटी सी फैमिली के साथ में, एक छोटी सी गाड़ी के साथ में, और कंफर्टेबल राइड आप एंजॉय करें, डे टू डे लाइफ में आप उसको यूज़ करें। फुल साइज़ SUV की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर ये जो सेगमेंट है ना 40 लाख रुपए का, वो पूरा ब्लैंक है, और सिट्रोन C5 एयर क्रॉस ही एक ऐसा ऑप्शन आप लोगों के लिए अवेलेबल है कि आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया 2 लीटर का इंजन, उसके बाद में आपको काफ़ी बढ़िया कम्फर्ट, काफ़ी बढ़िया NVH जो कि बहुत ही ज़्यादा साइलेंट है, आपको कई सारी एडवांस ड्राइवर एड टेक्नोलॉजी मिल जाती है, पार्किंग असिस्ट फीचर मिल जाते हैं, और बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो ऐसी 4-5 चीज़ें हैं जो कि सिट्रोन C5 एयर क्रॉस को वो अपने सेगमेंट में अलग बनाती है। ऑलरेडी ये सेगमेंट में अलग ही है, अकेली है, इसका सेगमेंट इंडियन मार्केट में अभी तो शायद नहीं है ये अपन बोल सकते हैं। बिकॉज 40 लाख रुपए के आसपास मैंने जो 3-4 गाड़ियों के नाम लिए हैं वो है फुल साइज़ SUV, जिसमें आप ऑफ रोडिंग वगैरह कर सकते हैं, और 7 लोगों को बैठ के जाना है तो वो गाड़ी आप ले सकते हैं, बट उन्हें सिटी में चलाना इतना ज़्यादा आसान या कंफर्टेबल या कन्वीनियंट जो है वो नहीं होता है। बट वहीं जो C5 एयर क्रॉस है ये काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है और काफ़ी ज़्यादा आसान है। छोटी छोटी गलियों में आप इसे लेके जा सकते हैं, ख़राब रास्तों पर आप इसे चला सकते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी बढ़िया है, जिसकी वजह से आप इसे ख़राब रास्तों में बिना डर के आराम से लेके जा सकते हैं। तो ये जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है बट बोलने में काफ़ी छोटी लगती है। तो अगर आप लोगों की नीड है कुछ इस टाइप की तो आप डेफिनेटली सिट्रोन C5 एयर क्रॉस को कंसीडर कर सकते हैं। अभी ये तो थी एक फर्स्ट बेसिक वीडियो जो कि थी सिट्रोन C5 एयर क्रॉस से रिलेटेड, और मुझे यहाँ पे आप लोगों को बताना था इसका जो सस्पेंशन सेटअप है वो किस टाइप से काम करता है, और जो बॉडी रोल वगैरह है वो कितना आपको दिखता है। बाकी डेप्थ में आप लोगों को इस गाड़ी के अंदर जानना है और क्या क्या जानना है वो आप नीचे कमेंट करके बताइए, फिर इन डिटेल डेप्थ वीडियो आप लोगों के साथ में मैं इस गाड़ी से रिलेटेड शेयर करने वाला हूँ। साथ ही अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर कनेक्ट नहीं है तो कनेक्ट हो जाएं, वहाँ पर भी आप लोगों को सभी अपडेट्स इंडियन ऑटोमोबाइल से रिलेटेड मिलती रहेगी। अगर आप लोगों ने वेबसाइट का नोटिफिकेशन ऑन नहीं करा है तो प्लीज़ ऑन कर लीजिए। indiantorque.com इंडिया की पहली वेबसाइट है जो कि इंग्लिश में कॉन्टेंट आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रही है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, एक बार जाके ज़रूर से पढ़िएगा। और ये वीडियो कैसी लगी ये भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, और
इस गाड़ी से रिलेटेड आप लोगों की क्या थॉट्स हैं, आप लोगों की क्या ओपिनियन है। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी गाड़ियां इंडियन मार्केट में हैं जिनको ये टक्कर देती है, तो प्लीज़ उनके नाम जो है वो लिस्टेड करिए। तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू टुमारो इन नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड ड्राइव सेफ। Thank you.